साहब आवाज़ उठा रहे थे और हम भी आवाज़ उठा रहे थे शहर वासियों के लिए, लेकिन जी कपूर साहब ने हमारे को बगैर पूछे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया हम उसके खिलाफ़ हैं। हमारे पास भी दबाव आ रहे हैं अगर आप भी इसका समर्थन दो, लेकिन जी हम आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ादी लड़ेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और हम जनता से धोखा नहीं देंगे जी। हम जो कपूर साहब ने धोखा दिया जी और जो माफा बल्ले लगाए जा रहे हैं अगर ना सेटिंग कर ली वो कर ली, ये सिर्फ बकवास है, ये एक जनता को गुमराह करने वाली बात है, हमारी पोजिशन डाउन करने की बात है। कल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मेरे पास आए, बोला भाई साहब पिछली बातें भूल जाओ और मेरा साथ दो। हमने उसको साफ नाट दिया, भाई तू अपना चुनाव लड़, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपके भाव में आप जीतोगे हमारे भाव में हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो भी दबाव बना रहे हैं, अगर तू बैठ जा क्योंकि वो बौखला चुके हैं, क्योंकि जी हमारी पोजीशन आज के टाइम में बढ़िया है जी। बीजेपी ने आज जो बातें मानी वो पहले क्यों नहीं मानी, ये देखो ना जी आप, अब तो चुनाव है, चुनाव तक ये बातें माननी है, चुनाव के बाद जो उनकी कार्रवाई हो करेंगे जी। माटी वो जो खोद रखी है तो वैसे डक दिया जी ना, क्यों वोट लेने के लिए जिनका, ये षड्यंत्र है बीजेपी पार्टी का जी, वह षड्यंत्र है बहन गौर राज्य बोल के चुप बोल के अपना वोट ले। मेरे पे जी बीजेपी पार्टी वाला दबाव था, अगर भाई आप हमारा साथ दो, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, ठीक है जी। हमने वो पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हमारे फिर दबाव बनाने वाली बात हुई है जी, हमने हम उससे साफ नाट गया जी। तो फिर उन्हें बोले हम तेरा ये करते वो करते, कहना क्या था जो मेरे को खत्म भी करवा दे। चेयरमैन थे पहले अशोक कुछल जी, उसने जो हमारे को ये करा 20 ले ले 25 ले ले, लेकिन हमने अगर एक भी कया हो या दो कया हो तो हमारा दिखाओ जी आप उसने, वो सर हमने सिर्फ ये कहा था हमने मान सम्मान चाहिए बस। स्वागत है आपका समालखा के संग्राम में। अभी दो तीन दिन पहले जो ड्रामा हुआ पूरे देश ने देखा, पीपी कपूर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और समालखा बचाओ संघर्ष समिति के आगू हैं, यानी कि अग्रणी उसमें रहते हैं और बड़े अच्छे मुद्दे जो हैं उठाते हैं और उन मुद्दों में कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं या जो कोई अन्य व्यक्ति है वो काम भी करता है और सरकारी अफसर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो समालखा बचाओ संघर्ष समिति अब बिल्कुल टूट चुकी है। उनके तीन मेंबर मेरे साथ हैं और ख़ास तौर पर वो शख्स मेरे साथ हैं जय भगवान शर्मा, जिनकी एक ऑडियो लीक होती है 25 लाख रुपये की, जिसमें बातचीत चल रही है जो खुद पीपी कपूर ने मीडिया को उपलब्ध करवाई और वो ऑडियो लीक होती है, वायरल होती है, उसके बाद समालखा में खलबली हो जाती है, मामला जो है काफ़ी उछलता है। उसके बाद एकाएक पीपी कपूर साहब जो है बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और उसमें ये कहते हैं कि जो मांगे थी उनकी मान ली गई हैं। मीडिया में काफ़ी मामला वो उछला, बहस होती है और उसके बाद जिस मीडिया ने उस खबर को छापा उनके पास नोटिस पहुँचते हैं और नोटिस भी उनके लेटर पैड पर पहुँच रहे हैं। समालखा बचाओ संघर्ष समिति का जो लेटर पैड है उसके ऊपर जो है वो नोटिस पहुँचाए जा रहे हैं और कुछ यूट्यूबरों की भी बात कही जा रही है कि एक यूट्यूबर की वीडियो लीक होगी, एक यूट्यूबर की ऑडियो लीक होगी, ये भी इसलिए लीक होगी ताकि उन यूट्यूबरों ने कुछ सच्चाई दिखाई होगी। हालांकि यूट्यूबर भी इस टाइम, क्योंकि पूरे देश को पता है कि इलेक्शन चल रहा है, तो यूट्यूबर हैं या बड़े मीडिया हाउस हैं या टीवी चैनल वाले हैं वो जाहिर तौर पर अपनी बात कैंडिडेटों के सामने रखते हैं, पैकेज की भी बात चलती है, एडवर्टीजमेंट की भी बात करती है, वो अगले की मर्जी है, कैंडिडेट की मर्जी है कि पैकेज उनके बात में समझ आ जाता है या एड उनके बात में समझ आ जाती है तो एड वो डील कर लेते हैं। उस चीज़ को ब्लैकमेलिंग नहीं, वो व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है और ये पूरे देश में व्यापार चल रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि जय भगवान शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत चौंकाने वाले खुलासे पीपी कपूर के खिलाफ ये रख रहे हैं और पीपी कपूर के पास भी हम लोग आपको ले चलेंगे अगर वो बात करना हमारे से मुनासिब समझें, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि एक पक्ष की जो वीडियो चलाते हैं उस पर मैं केस करता हूं और हम लोग भी कोशिश करेंगे, फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे व्यक्तिगत मिलने की बातचीत कोशिश करेंगे और ऑन कैमरा जो है हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई के दौरान पीपी कपूर साहब भड़क जाते हैं और मानहानि के दावे की जो है बातचीत भी करते हैं। जय भगवान शर्मा जी, पहली बात तो ये बताओ आप, ये मैं परिचय करा दूँ, चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं, इनके जो मिसिज है वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही है कुसुम लता और ये दो बार एमसी भी रह चुके हैं और ये जो है इनका राजनीतिक कैरियर जो है दो बार एमसी रहने के बावजूद ये सक्रिय हैं समालखा की राजनीति में। जय भगवान जी, बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों की जो ऑडियो लीक होती है 25-25 लाख रुपये की अशोक कुछल के साथ, वो उपलब्ध करवाई पीपी कपूर ने मीडिया को, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्रॉड का खुलासा करूंगा, दलाली में हाथ इसके वो हैं, इस सारे मामले क्या कहेंगे?
देखो जी जो कपूर साहब ने करे जी, लेकिन जो हमारी कमेटी से तो हमारे से पूछा नहीं गया और हमारे पे भी ये दबाव आ रहे हैं अब आप भी समर्थन दो, लेकिन हम समर्थन नहीं देंगे जी, क्योंकि हम तो चुनाव आज़ाद लड़ रहे हैं और आज़ादी लड़ेंगे। और जो कपूर साहब ने जो इनके साथ समझौता करा बहुत ही गलत काम कराया है, हमारी कमेटी के खिलाफ है और हम बीजेपी का समर्थन नहीं देंगे जी। चाहे हम चुनाव जीतते चाह रहे, हम चुनाव में खड़े तो खड़े हैं जी। ये है जी, बीजेपी वो कह रहे हैं कि हमने जब उनसे इंटरव्यू किया था वो कह रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ मेरा, सिर्फ ये हुआ है कि उनकी मांगे जो थी नाले वाली मांगे थी, तीन चार और मांगे तो मान लिए, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि समझौता हो गया, जब समझौता हो गया जब एक आदमी बीजेपी के खिलाफ झंडे उठा रहा था, उनके खिलाफ बोल रहा था, अरे खुलासा करने वाला था, अब मैं इसके जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं अब मैं इसके खिलाफ खुलासा करूंगा और एसडीएम के पास जाऊंगा और सबूत दूंगा, और वो सबूत भी नहीं दे पाया, खुलासा भी नहीं कर पाया। तो देखो बाजू कुनक तो दाल में काला है, जो पार्टी का झुका हुआ है उसका इसमें कुनक तो है जी। जो एक आदमी के खिलाफ बोल रहे आवाज़, अरे हम भी पार्टी के खिलाफ बोल रहे, झंडा उठा रहे, ठीक, हम आज भी पार्टी के खिलाफ है और आगे भी रहेंगे। और जो जो समझौता है ये सर्वे चुनाव तक समझौता है जी, जो ये कह रहे हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, चुनाव होते हैं जी, जो इनके जो काम पहले हो करेंगे जी, लेकिन जब करेंगे हम वहाँ भी लड़ेंगे और लोग साथ रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे जी। हम 25 लाख वाली क्या बात चल रही थी आपकी अशोक कुछल के साथ बातचीत? कुछल साहब जो कह रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए कह रहे हैं 25 ले लो 20 ले लो, अगर मैंने उसमें 5 का या 10 का दिखाओ आप जी, उसमें बोला जी क्या क्या रखे, क्या क्या कहेगा, 20 भी कहेगा, 30 भी कहेगा, 40 कहेगा, अगर मैं उसका साथ देता क्या कल ये बात आती, बस 40 ले गया, 30 ले गया, 35 ले गया। इस करके बाद हमने उसका साथ नहीं दिया, वो मेरे पास आया सवेरा आज मेरे पास हो समर्थन के लिए, मैंने उसको कहा मैं आशा है जी आप मेरे घर से जाइए। कौन आया था आपके घर? कुछल साहब जो बीजेपी एक कैंडिडेट है, सवेरा आए थे जी, साथ भी जो मेरे पास, बोला जी आप पिछली बात तो बोल जाओ भाई साहब मेरा साथ दो, आप चेयरमैन बनोगे, मैं जी वो तो बाकी बात है, आप बनो हम बने, आप अपना इलेक्शन संभालो हम अपना संभालेंगे, लेकिन बाबू जी हम आपसे बात करने के कति तैयार नहीं बाबू जी। ठीक है जी, हमने उसको साफ नाइट दिया भाई हम तेरे साथ नहीं है, हम अपना खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं बाबू जी। क्योंकि जब मेरी बातचीत हो रही थी उनके साथ वो कह रहे कि जय भगवान जो कैंडिडेट हैं, हालांकि हमने बात भी की थी एडवर्टीजमेंट की आपके बारे में भी, कुछ एडवर्टीजमेंट उनकी मिल सकती है, तो उन्होंने कहा जी गरीब से बंदे हैं ये, इनकी एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। मैं हमने कहा चलो ठीक है जब उनको वैसे समर्थन कर देते हैं, जब उनसे बात हुई तो वो आपकी पूरी तारीफ कर रहे थे, ऐन वक्त पर आपकी ऑडियो लीक कर देना, हालांकि करी तो उन्होंने अशोक कुछल की थी ऑडियो लीक करनी थी, लेकिन उसमें आपका भी था, उनको पता था भी जय भगवान है, ऐसा भी दोनों बदनाम हो जाएं इस सिस्टम से जो है कर रखी थी। जैसे जी सुनो बाबू जी, जो हमारे को जनता का समर्थन मिल रहा है जी, मैं जी उर्ले साइड मेरे 4 वार्ड हैं जी, 2, 3, 4, 5 से हम AMC रह चुके हैं, और जो 2-3 वार्ड हैं उन्होंने हमारे अपने आदमी बैठे हैं जो हमारे को चाहते हैं जी, वो ये कहते हैं पंडित जी आप शहर में जाइए, आप यहाँ मत रहो, आप शहर में मांगो वोट, हम 4 वार्ड आपके साथ हैं। एक उनको खलबली हो रही है, पार्टी भी घबरा रही है जी, ये पार्टी में कहीं जय भगवान हमारे को चितना कर दे, वो तो उपराला है। और जी ये पर क्या क्या और भी वीडियो आएंगी हमारे को बदनाम करने के जी, ताकि वे इसको डाउन करें, लेकिन जी उपराले का आशीर्वाद है, जनता का प्यार हमारी तरफ, जो कुछ करे बाबू जी हम एक बैठेंगे नहीं और नाम बिकेंगे बाबू। लेकिन आप दोनों का तो प्यार ही बहुत ज्यादा था, हाँ जी, फिर कैसे ये सारा मसला जा तोड़ताड़ दिया? वो तो बताएगा बाबू जी, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा, हमारे साथ हमारे से पूछा भी नहीं और जाकर पार्टी में समर्थन दे गया, वो बताओ जी, ये तो विश्वासघात है ना बाबू जी। जब हमारा दोस्त है हमारी आपकी एक बात है, अगर आप मेरे से कोई सलाह नहीं करोगे, अगर आप कहीं जाओगे या मैं कहीं जाऊँगा तो आपको थोड़ा ठेस तो पहुँचेंगे ना बाबू जी। ये जी उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा, ये मेरे साथ साथी खड़े आपको ये बता देंगे जी। और बोलो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील दत्त भी था मेरे ख्याल, और सुनील दत्त बैठा हुआ था, वो भी लाल झंडे वाले थे, ठीक है, वो संघर्ष समिति में है कुछ? हमारे मोर्चे में है ही नहीं जी, वो नहीं है जी, हम सिर्फ 5 आदमी थे, वो हमारे मोर्चे में शामिल है ही नहीं जी। आपको लोग कौन कौन है 5 जने उस थे? मेनपाल जी रहे, बलवान जी रहे, जय 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 भगवान जी, एक दिलबाग निमड़िया जी, और एक हमारे कपूर साहब जी। आप 5 लोग में 3 लोग आपके मेरे साथ हैं? आप 3 लोग हो? हाँ जी, हम तीन लोग मेरे साथ हैं, 2 हुए हैं जी, 2 हुए हैं, हाँ जी। और वो उनका नाम क्या है जो उनके साथ है? दिलबागड़िया निमड़िया और कपूर साहब। आपने इसलिए संघर्ष समिति बनाई थी कि शहर का कोई विकास हो? विकास हो जी, हम ये सोच कर चले थे जो लोग समस्याएं हैं, भाई कपूर साहब आदमी ठीक है, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हमने उसका साथ दिया, वो एकला बंदा था, उसके साथ मैंने सैकड़ों आदमी जोड़े बाबू जी, इससे जोड़े बाबा चलो भाई कोई शहर की समस्याएं हैं, भाई प्रशासन तो काम कर नहीं रहा, कम से कम इसके साथ लाग लो, मैं कहूँ प्रशासन सुने कुछ काम हो बाबू जी, लेकिन कुछ काम नहीं हुए बाबू जी।
आठ साल हो गए बीजेपी का राज राज बाबू जी। देखो जी आप यहाँ देख लो सर्विस रोड रोड का क्या हाल है जी, गेट रोड का क्या हाल है जी बताओ। और जो ये वादे कर रहे हैं ये सिर्फ झूठे वादे हैं, अलग से तक के वादे हैं जिनके जी। लेकिन एक वादा तो निभा भी दिया, और रेलवे रोड पे जो मिट्टी डालने थी, जो कैंडिडेट है ना जी, जो कैंडिडेट खड़ा है अशोक कुछल, वो अपनी जेब से मिट्टी डाल मारे जी। ठीक, पार्टी ने नहीं कुछ करे उसमें जी, वो कुछल वो मिट्टी कर पाई है जी। और जो कपूर साहब ने मांग पत्र सौंपा था उसमें भी सहमति जता दी थी बीजेपी वाले ने, और इसी पे उसने कहा था हम विरोध नहीं करेंगे। ऐसा जी कुछ नहीं होना जी, ये तो सिर्फ बातें हैं, चुनाव तक सीमित है जी बस। चुनाव के बाद फिर सारे वो एक काम होंगे, फिर ये वादे बोल जाएंगे बाबू जी। आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, सिर्फ दस दिन की बात है जी, हम दिखा देंगे अपना। कपूर साहब का सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे कि दबाव में थे, जब मांगे जो उनके मान लेगी एकदम, कपूर साहब दबाव में थे या कुछ और बातचीत है आपको बताओ, क्योंकि आप लोग तो उनके साथ रहते हैं। देखो बाबू जी हम तो उस मीटिंग में थे ही नहीं जी, जो मीटिंग हम तो थे ही नहीं ना मारे को बुलाएगा जिसमें जी मीटिंग में, जो मारे को बुलाते तो हम भी कुछ सुनते हुए क्या बातें हुई। वो तो जी ऊपर वाला जाना है या जाना जी, जो उनकी बातें हुई हैं। आपकी ऑडियो जैसे लीक हुई, आपके पास भी कुछ राज होंगे खोलने के लिए आप मीडिया के सामने, क्योंकि इलेक्शन है और भी ऑडियो वीडियो जाहिर तौर पर आपके सामने आएंगी जिसमें लेन देन की बात चल रही है। कपूर साहब की और भी कुछ बात बताना चाहें जो समालखा की जनता जो है सुनना चाह रही है ना जी? और मेरे पास तो जी पहली बार उसके साथ जुड़े थे, एक डेढ़ महीने से उसके साथ थे बाबू जी, पाचे हमने बिना क्या हो क्या नहीं, बस हम तो ये है बाबू जी। अब हमने देख लिया, अब हम उसके साथ जुड़े सच्चे मन से उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बीच बीच बात बात करा, मेरे को बगैर पूछे दे दिया, हम उसके साथ नहीं बाबू जी। अगर भगवान ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया जी, अपना अलग से हम अपना बनाएंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। अच्छा एक चीज ये भी है कि जो कपूर साहब से प्यार से बात कर लेता है, उनके ऑफिस में चला जाता है या फोन पे अपना कसम उनके बात कर लेते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वही लीक करने की बात कर देते हैं बाद में कि किसी की ऑडियो किसी की वीडियो लीक कर दूंगा, और आजकल तो पत्रकार को नोटिस भी पहुंचा रहे हैं, एक दो को नोटिस भी आया है। भाजी सच्चाई कही ना जी, पत्रकारों ने जो बातें कही सच्चाई, लेकिन आज जब मीडिया का गड़ा दबा जा रहा है मीडिया का, तो जी आम आदमी के साथ क्या करते होंगे बाबू जी? आप यही सोच लो बाबू जी, मीडिया तो ये है, मीडिया सच्चाई के उस पर बाबू जी, सच्चाई कहने के पे है जी मीडिया तो। जब मीडिया को बाबू जी गड़ा दबा दिया है बाबू जी, मीडिया तो देश की हो है जी बाबू जी, तो आम आदमी के साथ क्या बीतती होगी बाबू जी? आप देखो आप, लेकिन आपने जितनी बातें कही हैं ये कपूर साहब को चुप गई, एक आधा नोटिस आपको भी बाबू जी सुनो, अगर हमारे पास नोटिस आता तो हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है बाबू जी, गलत तो हम कहे नहीं बाबू, जो सच्चाई वो कही बाबू जी, अगर वो हमारे पास नोटिस भेज जाओ तो हम उसका स्वागत करेंगे बाबू जी। ठीक, अच्छा चुनाव जीत रहे हैं आप, जनता बताएगी बाबू जी आपको। ठीक है जी, ये हमारी जनता है, ये बताएगी आपको जी। से बात की आपका, आप दोनों ये जाके, आप भी संघर्ष समिति में है क्या? हाँ जी संघर्ष समिति। आप दोनों संघर्ष समिति, थोड़ा सा इधर आ जाइए, चेहरे दिखा दीजिए आपके ना। आप ये बताओ कि संघर्ष समिति में इकट्ठे आपने काम किया, एकदम खटास पैदा हुई। नाम बताओ। बलवंत सिंह। कपूर साहब ने जो समालखा की समिति बनाई है, हमने इसलिए साथ जुड़े थे कि शहर की समस्या, कॉलोनियों की समस्या के बारे में बात हुई है, अगर पूरी समालखे की तरक्की हो, कहीं रोड नीचा है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस करके हम उनके साथ लगे। लेकिन उसमें समिति में कुछ डामाडोल सा हो गया जी, हमें वह समिति में फिर जाना बंद ही कर दिया जी हमने, तो हमें मज़ा नहीं आया जी। हम दोस्त हुए बात करते हैं, आपको क्या लगता है अभी क्यों हुआ ये सारा काम बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये तो जी ये प्रधान जी हमारे कैंडिडेट हैं, हम इनके साथ हैं, जो कोई बात हुई होगी इनके साथ हुई होगी, जवाब उसका ये देंगे, हमारे सामने तो कोई बात नहीं है ऐसी ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी आपने जी? जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पत्रकार वार्ता करी थी, को नहीं बुला ना हम गए जी, देखी तो होगी, सुनी पड़ी कहीं तो पड़ेगी, उसमें मोबाइल में देखी हमने, बाकी गए नहीं जी हम, वो गोल्डन पार्क में करी मीटिंग, हम नहीं गए। तो ये आपको संघर्ष समिति में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को नहीं बुलाया अभी आप? हमारे पास कुछ नहीं बताते जी हमारे, तो हम जाना ही बंद कर दिया वहाँ। अब हो आप संघर्ष समिति का? ना जी ना, जब काम ही नहीं हमारा। अच्छा ये रजिस्टर्ड है आपकी? ना, ना कोई नहीं जी, इसकी कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं है जी। हाँ वही लोग डर रहे हैं, वही लोग हो रहे हैं जी। ठीक है, इन्होंने अपना खोप बना रखा है, अगर भाई थोड़ा डरते हैं लोग, जब सच्चाई सबके सामने जब अपने लोग अपने आप समझ जाएंगे। ये जी आपका क्या नाम है? मैं नपाल रोहिल्ला। आप भी उनके साथ थे? हाँ मैं जय भगवान जी के साथ काम करता हूँ। तो ये स्टाइल है क्या कपूर साहब का, मतलब नोटिस भेजने का, ऑडियो वीडियो लीक करने का? कपूर साहब अपनी जो है अपनी कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं पर,
हम तो इसलिए जुड़े थे कि भाई संभाल के विकास के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और संभाल के जो मुद्दे हैं उनका आवाज़ उठा रहे हैं। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, और कभी बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे, कभी कांग्रेस के मुर्दाबाद के नारे, हम तो उनके काम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। हमने क्या पता कि भाई हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मीडिया की तरह आपका भी यूज हो गया है? हाँ, यूज हो गया हमारा भी। आपका चेहरा दिखा के दुश्मनियाँ बनवा दी आपकी? दुश्मनियाँ बनवा नहीं, मेरे को तो लोग धर्म सिंह के खिलाफ, मेरे मुर्दाबाद के नारे वीडियो वायरल हुई, हमको लोगों ने टोका भाई तू कैसे धर्म सिंह के, मगा जी हम तो जय भगवान जी के साथ काम कर रहे हैं, हमें तो जहाँ कहेंगे वहाँ ले जाना पड़ा, ड्राइवर हैं हम तो, कपूर साहब के साथ काम, तो हम तो आम आदमी है साहब, हम कौन सा वो थोड़ा है, हमारा जहाँ कहेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। हमने तो हमारी कोई धर्म सिंह से दुश्मनी नहीं, बीजेपी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम तो संभाल के मुद्दे थे, विकास के मुद्दे के साथ जुड़े थे उनके साथ। अब हमें क्या बताओ कौन सी खिचड़ी पका रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्यों जी, हमको तो यूज किया गया। चलिए कपूर साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमारे से बातचीत करना मुनासिब समझें, उनके ऑफिस में भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड हम लोग जाएंगे, ताकि कल को एक नोटिस और 2200 पानीपत के लिए तैयार जो है ना कर सकें, क्योंकि आजकल नोटिस भेजने का ज़माना सा आ गया। लेकिन बड़ी बात, जिस लेटर पैड पे वो नोटिस भेज रहे हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है, जैसा कि जय भगवान बता रहे हैं कि वो रजिस्टर ही नहीं है और नोटिस भेजना उनका स्टाइल है। तो सुमालखा के ब्लू जे में हैं हम लोग, और पीपी कपूर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको मोबाइल पे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन उठा रहे हैं, और उनका वर्जन जो है इस सारे मामले में जान लिया जाए कि उनका इस मामले में क्या कहना है, अगर वो फ़ोन उठा लेते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्जन लेना ज़रूरी होता है, और अगर जो फ़ोन नहीं उठाते तो उसके बाद जो है खबर चल सकती है। तो एक बार फ़ोन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन पे नहीं उपलब्ध हो रहे। तो ये वीडियो आप पानीपत के समालखा से देख रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले जय भगवान जो इनके ही साथी हैं ये फ़ोन नहीं उठा रहे, एक बार फिर कोशिश करते हैं फ़ोन करने की। तो जैसा कि जय भगवान उनके साथी रहे, उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही थी कि पीपी कपूर ने समर्थन दिया है बीजेपी को, तो इसलिए उन्होंने जो है दोनों छोड़ दी है उनकी। तो पीपी कपूर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, तो हम लोगों ने वर्जन लेना उनका ज़रूरी समझा, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो जब इनसे संपर्क होगा तो तब भी इनका वर्जन जो है दूसरी वीडियो में हम इनका वर्जन ज़रूर लगाएंगे। तो फ़िलहाल आप ये वीडियो पानीपत के समालखा से देख रहे थे। नमस्कार।